हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो ये हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टर्टल्स को आप नॉनवेज फूड क्या क्या दे सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, हम डिस्कस करेंगे कि आपको वेजिटेरियन जो फूड है, जो वेजिटेबल्स है, वो कौन कौन सी है जो आपको आपके टर्टल्स को फीड करना है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टर्टल्स ओमनिवोर होते हैं, तो उनको फूड नॉन वेजिटेरियन भी चाहिए होता है और वेजिटेरियन फूड भी चाहिए होता है। तो अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो देख लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, फिर आप ये वीडियो देखें। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से वेजिटेबल्स आपको आपके टर्टल को देनी है, जो मैं भी देता हूँ। तो सबसे पहला है धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ये बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है जो आप आपके टर्टल्स को दे सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से खाते हैं और इसमें ज़्यादा कैल्शियम भी होता है, तो ये आपके टर्टल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक वेजिटेबल है, और जो कि बहुत ही इजीली सभी के घर में अवेलेबल होता है। और ऐसे नहीं होता है कि कभी अवेलेबल नहीं होता है, हर रोज़ आप उसे फीड करोगे तो भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है जो आप आपके टर्टल को दे सकते हो। नेक्स्ट है मेथी। आप आपके टर्टल्स को मेथी भी दे सकते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल होती है और आपके टर्टल्स को ये बहुत पसंद भी आएगी। और ये बहुत अलग अलग वैरायटी के फूड है, तो अगर आप आपके टर्टल्स को ये अलग अलग वैरायटी में दोगे तो आपके टर्टल्स भी खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आपके टर्टल्स हेल्दी भी रहेंगे। तो नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर लीव्स। जो फूल गोभी होती है उसके जो पत्ते होते हैं, वो भी मैं मेरे टर्टल्स को फीड करता हूँ और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से खाते हैं। लेकिन आपको उन्हें खिलाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके ऊपर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा कीड़े लगते हैं। तो मेक श्योर कि आप उसे देने से पहले अच्छे से उसे क्लीन कर ले और छोटे छोटे पीसेस करके उसके पानी में डाल दे, तो वो बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन लेट्यूस। ये जो लेट्यूस है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और ईजीली वो खा सकते हैं। तो है वैसा ही पत्ता अगर आप पानी में डाल दोगे तो उसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से खा लेते हैं टर्टल्स, और उन्हें खाने में मज़ा भी आता है और थोड़े क्रंची भी होते हैं, तो उन्हें खाने का एक्सपीरियंस जो होता है वो भी अलग होगा। तो आप आपके टर्टल्स को ग्रीन लेट्यूस भी खिला सकते हैं। नेक्स्ट है पालक। जैसे कि आप सभी को पता है कि पालक में आयरन ज़्यादा होता है, तो वो आपके टर्टल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पालक ज़्यादा नहीं खिलाना है, थोड़ी ही अमाउंट में खिलाना है। मतलब अगर आप वीक में खिलाना चाहो तो एक ही बार खिलाए तो भी चलेगा, या फिर दो बार ज़्यादा से ज़्यादा खिलाए तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खिलाना है, एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में आपको उसे खिलाना है। नेक्स्ट है तुलसी। जी हाँ, मैं मेरे टर्टल्स को तुलसी भी खिलाता हूँ और वो खाते हैं। शुरुआत में वो नखरे करेंगे, लेकिन जैसे आदत होती है अलग अलग वैरायटी की फूड खाने की, और कुछ साइन आपको कुछ साइन रखनी होगी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मेरे टर्टल्स को खाना खिलाते टाइम, तो मैं सबसे पहली बात तो मैं मेरे टर्टल्स को उनके एनक्लोजर में कभी फीड नहीं करता हूँ, उन्हें मैं अलग टब में ही फीड करता हूँ, तो उनको पता चल जाता है कि मैं उन्हें फीड करने वाला हूँ। तो ऐसी एक साइन आप आपके टर्टल्स को एक रूटीन रखेंगे तो उनको समझ आएगा कि भाई हमें अभी खाना मिलने वाला है। तो जब भी आप कुछ भी डालोगे उस टाइम तो वो खाएंगे। अगर शुरुआत में नहीं खाएंगे तो आपको उनको लगातार देते रहना है, तो वो उनको समझ में आएगा कि ये खाने के लिए ही है, तो वो खाने के लिए ट्राई करेंगे और खाना चालू कर देंगे। तो मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा ऑफ द टॉपिक, लेकिन टॉपिक जो मेन ये है। तो अगर आपको आपके टर्टल को इन सारी चीज़ों को फीड करने की आदत लगानी है, उनके ऊपर फीड करने की आदत लगानी है अलग अलग चीज़ों की, तो आपको आपके टर्टल को एनक्लोजर में नहीं फीड करना है, उसको अलग टब में ही फीड करना है, ताकि उसको आदत हो जाए। और जो बेबी टर्टल्स होते हैं, अगर आपका एनक्लोजर बड़ा होगा, टैंक बड़ा होगा, अगर आप फूड डालोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या डाला है, और कभी कभी फ्लो की वजह से वो कोने में जाके बैठता है जो फूड होता है वो, तो उसे दिखता नहीं है। तो इसकी वजह से भी टर्टल्स बहुत बार भूखे रहते हैं और खाते नहीं है। तो बेटर है कि आप छोटे बाउल में या ईजीली फिट हो सके ऐसे बाउल में आप फीड करते रहे, तो उसको भी आदत हो जाएगी कि इसमें खाना मिलता है, जो भी डालोगे वो इजीली खाएगा और उसको आदत लगेगी खाने की। तो जैसे मैं बता रहा था कि मैं तुलसी भी देता हूँ, तो तुलसी के पत्ते आप आपके टर्टल्स को दे सकते हैं। तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप सभी को पता ही है।
नेक्स्ट है लौकी, जिसे हम महाराष्ट्र में दुधी भोपड़ा भी कहते हैं। तो इसको आपको कैसे फीड करना है, आपको ना ही चॉप करके फीड करना है, ना ही वैसे ही डाल देना है एक बड़ा पीस, आपको उसे श्रेड करके देना है, कद्दूकस करके देना है, उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो वो पीसेस वो आपके टर्टल बहुत ही इजीली खा सकते हैं। अगर आप कट करके दोगे तो एक जैसे पीसेस नहीं होते हैं, और हम इतने अच्छे से नहीं कट करेंगे हर टाइम, जब भी हम देंगे तो इतना अच्छे से कट नहीं करेंगे, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। मैं भी अगर कट करना चाहूँ तो मैं इतना परफेक्टली हर टाइम नहीं कट कर सकता, तो उससे अच्छा है कि आप श्रेड करके दे, ताकि वो एक जैसे पीसेस हो, तो फिर आपका बेबी टर्टल भी इजीली खा सकता है और एडल्ट टर्टल भी खा सकता है, क्योंकि अगर स्क्वायर पीसेस रहेंगे तो उन्हें खाने में दिक्कत आएगी, कभी कभी चोक भी हो सकता है, तो उससे अच्छा प्रिकॉशनल आप उसे श्रेड करके देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा और उन्हें पचने में भी आसानी होगी। तो नेक्स्ट है पम्पकिन, जिसे हम भोपड़ा कहते हैं महाराष्ट्र में, जो ऑरेंज कलर का आता है, या फिर कभी कभी उसका कवर जो होता है वो ग्रीन कलर का भी होता है, लेकिन बड़े साइज़ में आता है। तो अगर आप लेना चाहो तो वो पीसेस में भी मिलता है, या फिर कभी कभी छोटे भी आते हैं तो वो पूरा ले सकते हैं, चाहे तो आप उसे 15 दिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर आप अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखोगे तो वो अच्छा रहेगा, 15 दिन में भी वो ख़राब नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर की जो मोटी स्किन होती है उसको निकालना है, और जो अंदर का ऑरेंज पार्ट होता है उसे श्रेड करके आपके टर्टल्स को फीड करना है। नेक्स्ट फूड है वो है कैरेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेट, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। जैसे कि आप अगर पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे तो मैंने कैरेट सोक के ऊपर वीडियो बनाया है, स्वोलनाइज के ऊपर वीडियो बनाया है, उसमें हमने ज़्यादातर कैरेट का ही यूज़ किया है उन्हें सोक करने के लिए। तो इसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, तो इससे उन्हें हेल्प मिलती है विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए। तो इसे भी आपको चॉप नहीं करना है, इसे श्रेड करके ही देना है, ताकि आपके टर्टल को अच्छे टर्टल आपका अच्छे से खा सके, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि थोड़ा कड़क होता है, तो उसे अगर स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो उससे अच्छा है कि श्रेड करके दे, और रेगुलरली दिया तो भी चलेगा, वीक में 2 बार दिया तो भी चलेगा, अच्छा है 3 बार दिया तो भी चलेगा, एज अ फूड एक टाइम के लिए देंगे तो भी चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, तो इससे विटामिन ए की कमी आपके टर्टल में कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट फूड है टोमेटो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि टोमेटो बहुत कम क्वांटिटी में खिलाए, और जो उसके सीड्स होते हैं उसे आपको निकाल के ही फीड करना है, और छोटे छोटे पीसेस करके आपको उसे खिलाना है, क्योंकि टोमेटो तो सॉफ्ट होता है, उसे श्रेड नहीं कर सकते, तो आप उसके छोटे छोटे पीसेस करें और खिलाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं, वीक में 1 बार ही खिला सकते हो। नेक्स्ट है हिबिस्किस फ्लावर, आप जो गणपति बप्पा को हम फूल चढ़ाते हैं ये फूल, तो वो आप पूरा का पूरा आपके टर्टल को फीड कर सकते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है तो उसे खाने में दिक्कत नहीं आएगी, तो आप ऐसे भी पूरा फूल डाल दोगे तो भी वो अच्छे से खा लेगा, या फिर अगर आप पेटल्स निकाल के भी डाल दोगे तो भी वो अच्छे से खा लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और ये भी बहुत अच्छा होता है, तो आप उसे भी खिला सकते हैं। और नेक्स्ट है रोज़, आप रोज़ के पेटल्स आपके टर्टल को खिला सकते हो, जो देसी रोज़ आता है जिससे कि गुलकंद बनता है, तो वो भी बहुत अच्छा है, वो उसे भी बहुत अच्छे से खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है, मेरे टर्टल्स को पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, तो उसे भी बहुत अच्छे से खाते हैं, और बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसकी टेस्ट भी थोड़ी मीठी होती है, तो उन्हें पसंद आता है। तो आप किसी भी देसी रोज़ को आप दे सकते हैं, चाहे वो पिंक कलर हो, रेड कलर हो, वाइट कलर हो, लेकिन वो देसी होना चाहिए, अच्छा है, तो आप उसे खिलाएं। नेक्स्ट है स्प्राउट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम डाइट फॉलो करते हैं, या फिर कुछ भी करना है, वेट अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तभी भी जिम कर रहे हैं, तभी भी स्प्राउट्स खाते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके टर्टल्स के लिए। इसके बारे में भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कितना हेल्दी होता है ये आप सभी को पता है, तो आप आपके टर्टल्स को स्प्राउट्स भी फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो चीज़ है, जो कि है डकवीड। डकवीड ये एक्वेटिक प्लांट होता है जो पानी के ऊपर फ्लोट होता है, बहुत सारे एक्वेरियम्स में भी ये मिलते हैं, बहुत सारे एक्वेरियम जो हॉबीस्ट होते हैं वो अपने एक्वेरियम्स में भी यूज़ करते हैं, प्लांटेड एक्वेरियम में, या फिर पॉन्ड्स में भी यूज़ करते हैं, तो आपको ये इजीली किसी भी एक्वेरियम स्टोर में भी मिल जाएंगे, या फिर आप वाइल्ड से भी इसे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, नदी तालाब के ऊपर जो लेयर आती है, जो चादर होती है, वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, तो वो डकवीड होता है, और अगर आप उसे ज़्यादा आप थोड़ी क्वांटिटी में भी लाओगे, और आपके टेरेस पे अगर आप उसे किसी भी टब में रख दोगे या किसी बकेट में रख दोगे, तो आप
उसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो आप आपके घर पे भी इसे बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो यही थे सारे वेजिटेरियन फूड जो आप आपके टर्टल्स को दे सकते हैं और मैं मेरे टर्टल्स को देता हूँ, तो वही मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कमर्शियल पैलेट्स कौन से आपके आपके टर्टल को फीड करनी है और कौन से सप्लीमेंट्स अच्छे होंगे आपके टर्टल्स को फीड करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने नॉन वेजिटेरियन फूड का वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट इट सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।